विश्व में संगमरमर नगरी के नाम से प्रसिद्ध मकराना वैसे तो अपने खूबसूरत पत्थरों के लिए जाना जाता है, वहीं प्रदेश में दशहरा महोत्सव में मकराना का दशहरा एक अलग पहचान रखता है। क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में कोटा के बाद दूसरे नंबर पर मकराना अपने रावण दहन के लिए जाना जाता है, और यहाँ के रावण के पुतले की विशेषताओं को देखें तो यहाँ का पुतला प्रदेश में नंबर एक पर रहता है, जिसके पीछे रावण की बनावट ही नहीं बल्कि उसे बनाने वाले कलाकारों का निस्वार्थ भाव भी दिखता है। ये कलाकार पूरे एक महीने तक निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं, जो दिन के समय में अपनी दिनचर्या का काम करते हैं और रात में पुतले का निर्माण। रावण ये हाथी के पुतले पर बनता है। ये पुतला राजस्थान में दूसरा स्थान है, पहला स्थान कोटा का। सबसे भव्य रावण बनता है, 70 फीट ऊंचाई में घूमता हुआ नजर आता है। ये जो महोत्सव मनाया जाता है वो स्थानीय कलाकार जो है वो पेशेवर नहीं है, वो दिन में तो अपना व्यक्तिगत धंधे पानी करते हैं और बाद में ये अपनी सेवाएँ देते हैं। ये अपनी कौमी एकता का निशान है। यहाँ सभी सुहाग पूर्ण ये त्यौहार मनाया जाता है और ये पिछले 50 सालों से बराबर चलता रहा है। यहाँ के रावण के पुतले की खूबसूरती भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। मकराना में ही रावण का पुतला हाथी पर सवार होकर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही इस पुतले में भव्य आतिशबाजी को इस तरह से फिट किया जाता है कि आकाश में जाकर अपना नजारा दिखाती है। ये काम भी चार भुजा सेवा समिति की ओर से किया जाता है। जीत का प्रतीक है ये जो त्यौहार, ये जो महोत्सव मनाया जाता है वो स्थानीय कलाकार जो है वो पेशेवर नहीं है, वो दिन में तो अपना व्यक्तिगत धंधे पानी करते हैं और बाद में ये अपनी सेवाएं देते हैं। ये अपनी कौमी एकता का मिसाल है। यहाँ सभी सुहाग पूर्ण ये त्यौहार मनाया जाता है और शहर में, पूरे शहर में हिंदू मुस्लिम सभी भाई इसे खुशी खुशी मनाते हैं और ये पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर आता है। इसमें बांस, बल्ली और फटाके इत्यादि बहुत बारूद लगाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर चला जाता है और किसी को किसी के आज तक नुकसान नहीं हुआ। पिछले 70 वर्षों से ये पर्व मनाया जा रहा है। दशहरा महोत्सव के दिन दशहरा मैदान में विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें मकराना और आसपास के शहरों से सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं। यहाँ का दशहरा महोत्सव लोगों के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश करता है। अब्दुल रहीम, जी मीडिया, नागौर।